इसी बीच बिहार में एनडीए की बड़ी पार्टी बीजेपी ने शराबबंदी के कानून की समीक्षा की मांग की है। मांग बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी के कानून को 5 से 6 साल का वक्त हो चला है, ऐसे में बिहार में शराबबंदी को लेकर दोबारा विचार करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये कि बिहार में शराबबंदी हटेगी? कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 5 सवाल पूछता है, वो सवाल भी हम आपको बताएंगे। और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अब बीजेपी का रुख नजर आ रहा है, जो कि सहयोगी पार्टी है। शराबबंदी को 5 से 6 साल हो गए, एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल यह कि इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप कब लेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी से यह सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री से। आपकी शराबबंदी कागजों में कब तक रहेगी नीतीश जी? सवाल यह भी, क्या आपकी शराबबंदी सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है और क्या शराबबंदी सिर्फ वोट पाने का जरिया भर है? शराब माफिया माला माल, आप कब लेंगे पीड़ितों का हाल? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।